लुधियाना के ऋषि नगर इनकम टैक्स के मुख दफ्तर के इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर विक्रम गौड़ की अगवाही हेठ स्वच्छता भारत अभियान के तहत सफाई अभियान प्रोग्राम चलाया गया, जिसे विशेष तौर पर इनकम टैक्स के कमिश्नर विक्रम गौड़ ने अपने हाथी सफाई करके लोगों को सफाई करने का उद्देश्य दिता है। स्वच्छता अभियान जो है वो जो हमेशा के लिए ही है, तो ये गांधी जी के जो रास्ता दिखाया हुआ है हमें, उस पर चलकर हमें जो भारतवर्ष में जो है ये स्वच्छता को हमेशा के लिए जो है यहाँ रखना है। और इनकम टैक्स विभाग जो है वो प्रतिबद्ध है स्वच्छता के लिए। ये आज जो हम अभियान कर रहे हैं, ये एक अभियान जो होता है, कभी भी किसी काम को रास्ता दिखाने के लिए, शुरुआत करने के लिए अभियान चलाना होता है। तो इसलिए जो अभियान जो आ रहा है, महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव जो है 2 अक्टूबर को है, उसके चलते हम इस अभियान को जो है एक नई दिशा दे रहे हैं कि अभी सारे विभाग के जो लोग हैं इसमें लगकर यहाँ पे जो हमारे विभाग के आसपास जितनी भी ये गंदगी है इसको दूर करेंगे। और ये हमारा हमेशा के लिए प्रण है कि जब जब भी ये सिर्फ ये अभियान के तहत नहीं, ये अभियान हमेशा ही रहेगा, साथ चलेगा हमारे, कि विभाग जो है कहीं पे भी ना गंदगी करेगा ना करने देगा। तो ये जो अभी इस स्वच्छता अभियान के तहत जो है पूरे विभाग के सारे कर्मचारी और जो लोग हैं, हमने सबने ये स्वच्छता की जो है वो प्रतिज्ञा की है कि हम हमेशा ही जो है इस तरह से जो है विभाग के आसपास और अपने शहर में और अपने देश में जो है स्वच्छता बनाए रखेंगे। कितने दिन चलेगा ये अभी जो है? ये अभी शुरू होकर पिछले 10 दिन पहले हमने शुरू किया है और ये पूरे अक्टूबर तक, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभियान जो है ये तो हमें जो है इकट्ठे होकर सब काम करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो है हम ये हमेशा ही करते रहेंगे। और यही हम रास्ता दिखाना चाहते हैं छोटे बच्चों को भी कि आप अपने आसपास जो है वो सफाई रखिए हमेशा। देखिए, अपील तो ये है कि ये जो है स्वच्छता का जो प्रण है ये अपने अंदर से ही होना चाहिए। अगर हम ये खुद अपनी सफाई आसपास करते हैं तो इससे जो है वो हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको ये जो है एक रास्ता मिलता है कि वो भी अपने आसपास इस तरह सफाई रखेंगे। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने जो है अपने टॉयलेट्स खुद साफ करने का जो जो प्रण दिखा के प्रण लिया था, उसका बेसिक पर्पज ये था। ये नहीं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसका प्रण ये था कि जो गंदगी हम फैला रहे हैं उसको उठाना हमारा एक दायित्व है, ना कि हम दूसरों पे ये जो है डिपेंड करें कि दूसरा आके इसको सफाई करे। जो या तो हम गंद डाले नहीं, अगर गंद डाल रहे हैं तो हम खुद इसको उठाएं। मैं एडवोकेट जितेंद्र खुराना, प्रेजिडेंट इंडियन टैक्सेशन बार एसोसिएशन। आज हम यहाँ इनकम टैक्स विभाग में प्लांटेशन ड्राइव और स्वच्छता मुहिम के तहत इकट्ठे हुए हैं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऋषि नगर ऑफिस है आयकर भवन में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर मिस्टर विक्रम गौड़ सर की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज यहाँ इन्होंने प्रेरित किया सबको कि हमें घर और ऑफिस के आसपास के अलावा अपने इधर उधर जो अपने शहर को भी साफ रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे अपने घर में या ऑफिस में कोई हम सफाई रखते हैं, अगर मान लो सफाई वाला कोई नहीं आता तो हम खुद ही करते हैं, ऐसे ही अपने इनकम टैक्स ऑफिस में आसपास के एरिया में हमें स्वच्छता अभियान चला के साफ़ सफाई रखनी चाहिए। रोड पे भी उन्होंने ज़रा सफाई? हाँ जी, आज इनकम टैक्स ऑफिस जो ऋषि नगर है इसके बाहर इनकम टैक्स कॉलोनी उधर और आस पास के इलाके में सफाई अभियान किया। विक्रम गौड़ साहब रहे, प्रिंसिपल कमिश्नर साहब रहे, अपना विभाग के उच्च अधिकारी और स्टाफ ने काफ़ी सहयोग किया। शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, शहरवासियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग करदाताओं को जागरूक करता है रिटर्न भरने में, टैक्स अदा करने में, इसके साथ ही सोशल एक्टिविटी भी कर रहा है, जैसे प्लांटेशन ड्राइव भी है, ग्रीनरी रखनी चाहिए। जैसे आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है सिटी में या पंजाब में, तो इसे हमें आसपास के इलाके में पोल्यूशन से बचाव के लिए पेड़ लगाने चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और लोगों को अपना सहयोग करना चाहिए इसमें बढ़ चढ़ के। जैसे इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव में किया कि एक प्लांट माँ के नाम, ये भी अच्छी मुहिम है। ये नेशनल लेवल पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो मुहिम चलाई गई है, ये देश के लग रहे शहरों में छोटे दफ्तरों में भी सारी जगह ये मुहिम चलाई गई है। ये अच्छा सराहनीय कार्य करे है जी। लुधियाना लाइवली टिंका जाट की रिपोर्ट।